हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा देश भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो तेज़ी से प्रगति कर रहा है, लेकिन आज भी अपनी संस्कृति सभ्यता से उतनी ही मजबूती से जुड़ा हुआ है, जहां अनेकों धर्म को मानने वाले अनेकों लोग हैं जो अपनी पूजा अर्चना के लिए धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में इतना अद्भुत है कि इसके मानव द्वारा निर्मित किए जाने पर आशंका होती है, और बहुत से लोगों का कहना है कि इंसानों ने इसे दैवीय शक्तियों की मदद से बनाया होगा। तो आइए अब जानते हैं इस रहस्यमय शिव मंदिर के बारे में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित यह मंदिर एलोरा की गुफाओं में है, इसलिए इसे एलोरा का कैलाश भी कहा जाता है। 276 फीट लंबे और 154 फीट चौड़े शिव मंदिर की खासियत यह है, जिसे पत्थर को काटकर सिंगल पीस में बनाया गया है। यही रहस्य इस मंदिर की जड़ है। इस मंदिर को एक पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर में पत्थरों को काटकर यहां अद्भुत द्वार, पिलर, गुफाएं और अनगिनत मूर्तियों को बेहद ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। बताया गया है कि इसके निर्माण में जिस चट्टान का इस्तेमाल किया गया था उसका वजन करीब 40,000 टन था। माना जाता है कि इस मंदिर को तैयार करने में करीब 150 साल लगे और करीब 7,000 मजदूरों ने लगातार इस पर काम किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक इस मंदिर में कभी पूजा किए जाने का प्रमाण नहीं मिला। आज भी इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है, लेकिन इतिहास यह कहता है कि मंदिर को बनाने में केवल 18 वर्ष का समय लगा था। इसके अलावा इस मंदिर में बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए वाटर टर्निंग सिस्टम का निर्माण भी किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि शिला को काटने से पहले ही प्लानिंग की गई होगी। उस समय में सीमित गणित और इंजीनियरिंग ज्ञान के बावजूद भी आर्किटेक्चर प्लान कैसे तैयार किया होगा। आज के समय में ऐसा मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों ड्रैगन्स, 3D डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, सैकड़ों इंजीनियर, कई हाई क्वालिटी कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। 7वीं शताब्दी में यह कैसे सुनिश्चित किया गया होगा, इसका जवाब नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज इस सब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी शायद ऐसा दूसरा मंदिर बनाना असंभव है। सन 1682 में औरंगजेब ने 1,000 सैनिकों की एक सैन्य टुकड़ी को मंदिर को ध्वस्त करने के लिए सौंपा था, लेकिन 1,000 लोगों की यह सैनिक टुकड़ी लगातार 3 साल काम करने पर भी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। तब औरंगजेब को लगा कि स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना नामुमकिन है, तो हार मानकर मंदिर को नष्ट कर देने का कार्य रोक दिया गया। वाकई कुछ तो ऐसा रहा होगा जो उस समय की टेक्नोलॉजी से आगे रहा होगा, उसी शक्ति से इस मंदिर का निर्माण संभव रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।